Everyone, hope you all are doing well. So today we are going to discuss the next question of our agriculture optional answer writing practice, जो हमारी agriculture optional answer writing practice की सीरीज चल रही है, उसके next question को आज हम लोग देखने वाले हैं। और आज का हमारा question है, discuss the structure of plant chromosome, क्रोमोजोम के structure को discuss करना है एंड इट्स रोल, इसकी क्या रोल है जेनेटिक डाइवर्सिटी में, उसे डिस्कस करना है। सो आई हैव डाउट दिस थिंग अबाउट क्रोमोसोम, व्हाट एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में मैंने पूरे डिटेल में, उसके स्ट्रक्चर को भी पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपने एग्रीकल्चर ऑप्शनल के कोर्स में। व्हेन यू गो टू एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स, व्हेन यू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल, यू विल फाइंड एग्रीकल्चर ऑप्शन टू प्लेलिस्ट। फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर वन, देखा हुआ है तो आई थिंक यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चंस एंड आंसर। और अगर आपने नहीं भी देखा हुआ है तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हो हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, एंड यू विल and you should also try to write these answers by yourself। आप खुद से भी लिखने का प्रयास करिए आंसर। अगर आप खुद से लिखेंगे तो it will help you improve, the more you write the more you improve, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। तो let's see how we approach this answer। तो first of all, what are chromosomes? Chromosomes क्या होते हैं? Chromosomes are fundamental components of cell that play a vital role in storing and transmitting genetic material। जो क्रोमोजोम्स है हमारे सेल के, वो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं विच प्ले अ वाइटल रोल इन स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं क्रोमोजोम्स। नाउ वी मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोजोम? सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोजोम। तो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सबसे अच्छे डिटेल में, कि अगर आप सेल को देखो, लेट दिस बी ए सेल, सेल के अंदर होती है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपको ऐसे करके क्रोमोसोम दिखे सही है इन स्मॉल। अगर आप इसको बड़ा करोगे, ये हो गया आपकी सेल, दिस इज द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस यू विल फाइंड क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर को देखें तो दिस इज व्हाट क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो दोनों चीजें दिख रही हैं आपको, दीज आर क्रोमेटिड्स। जो हमने लिखा हुआ है क्रोमेटिड्स, ये जो ना दो स्ट्रैंड है इन्हें क्रोमेटिड्स कहा जाता है, और दिस वन इज सिस्टर क्रोमेटिड। There are two sister chromatids in a chromosome, और ये से हम कहते हैं ये sister chromatids। Sister chromatids। अब देखिए इसके दो आर्म हैं। अगर आप गौर से देखें तो एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। तो जो उसके shorter आर्म है उसे कहते हैं पी आर्म। This is known as पी आर्म, which is the shorter आर्म। And when you see this one is the longer arm which is known as Q arm. So Q arm is the longer arm. देखिए इसमें दो आर्म है, ऊपर वाले आर्म को कहते हैं P arm and नीचे वाले आर्म को, इस आर्म को हम कहते हैं Q arm. This is P arm and this is Q arm. और जो ये बीच वाला पार्ट है जिसके वजह से आपको एक कंस्ट्रिक्शन दिखेगी क्रोमोजोम में, क्रोमोजोम मिला हुआ है, दिस इट इज नोन एज सेंट्रियोमर, सेंट्रियोमियर। दिस पार्ट इज नोन एज सेंट्रोमियर। और ऐसे अगर आप क्रोमोसोम के अंदर देखो तो कॉम्पैक्टेड डीएनए मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड दिस थिंग्स आर डीएनए मॉलिक्यूल। दिस इज लेबलिंग इट हियर डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज कॉम्पैक्टेड बाय हिस्टोन प्रोटीन्स। ये डीएनए मॉलिक्यूल जब कोई इतने कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर में दिखता है, वो क्यों दिखता है? हिस्टोन प्रोटीन्स के वजह से।
हिस्टोन प्रोटीन, और इसी टर्मिनल एंड को हम क्या कहते हैं, टेल्योमेर भी कहते हैं। दिस टर्मिनल एंड इज ऑल्सो नोन एज टेलोमेर, द टर्मिनल लास्ट एंड उसे हम टेलोमेर कहते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोजोम। जो आप ये क्रोमोजोम के बेसिक स्ट्रक्चर को देख रहे हो यही है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर वो कैसा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस डायग्राम। मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की हुई है, और जिसके मेन चार जो कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर के वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ, जैसे क्रोमेटिड हो गई, तो जैसे मैंने बताया कि दो सिस्टर, देयर आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स तो आपको दिख रहे हैं, दीज आर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स किस फेज में विजिबल होते हैं, माइटोटिक मेटाफेज में, एंड दिस सिस्टर क्रोमेटिड्स आर विजिबल इन माइटोटिक मेटाफेज। जो मेटाफेज स्टेज है उसमें आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको दिखेंगी, ये विजिबल होंगी। और एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स माइग्रेट टू अपोजिट पोल्स। यहां मैं लिख देता हूं एनाफेज में, इन एनाफेज दिस सिस्टर क्रोमेटिड्स माइग्रेट टू अपोजिट एंड्स। समझ नहीं कुछ नहीं, अपने अपने 11 12 सब में जिसने बायोलॉजी पढ़ा हुआ है तो उसने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ये जो चीज दिख रही है सेंट्रोमर है, और जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दीज आर ज्वाइन टुगेदर बाय सेंट्रोमर, इट हेल्प्स इन ज्वाइनिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। दीज सिस्टर क्रोमेटिड्स आर ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमर, और इसी सेंट्रोमर को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, एंड दिस सेंट्रोमर इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अगर आप समझने के लिए भी देख रहे हो तो आप इसे लिखो, इस चीज के नोट्स बना लो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आंसर तो आपसे लिखना ही है, समझो इस चीज को। तो इसी सेंट्रोमर को हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। इसमें दो आर्म आपको दिख रहे हैं, पीओपी आर्म इज द शॉर्टर आर्म, क्यू आर्म इज द लॉन्गर आर्म। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये टेलोमर मैंने लिखा हुआ, तो जो टर्मिनल एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज टेलोमर, इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। सो टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज टेलोमेयर, एंड दिस टेलोमेयर हेल्प्स इन प्रिवेंट्स द फ्यूजन ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट्स। जो क्रोमोजोमल सेगमेंट है उसका फ्यूजन जो है ये टेलोमेयर प्रिवेंट करता है। उसके बाद आपको क्रोमेटीन मैंने लिखा हुआ है, क्रोमेटीन, व्हाट इज क्रोमेटीन, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटीन, दिस इज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ क्रोमेटीन। क्रोमेटीन से क्रोमोसोम मेड अप ऑफ होते हैं, क्रोमेटीन इज मेड अप ऑफ डीएनए आरएनए प्रोटीन्स, डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन मेक्स अप क्रोमेटीन। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ से। और हेट्रोक्रोमेटीन, यू क्रोमेटीन काफी होते हैं, जो लाइट स्टैंड वो जाते हैं यू होते हैं, और जो डार्क स्टैंड है हेट्रोक्रोमेट, पर उतनी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अगर आप अपने आंसर्स में स्ट्रक्चर बना के डायग्राम बना के दिखा दो और ये चारों को दो तो, या और कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इट्स ऑन यू। ये चार मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं तो मैंने वो लिखा हुआ है, जो तो आप इसमें एक दो लाइन है कुछ भी आप इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो, इट्स ऑन यू। आप बुक्स पढ़ोगे तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो मैंने बेसिक जो है वो अच्छे से बता दिया, अगर इतना भी लिखोगे तो यू विल गेट फेच गुड मार्क्स, और आप उसमें अपने वर्ड्स में लिख दो, दैट इज इनफ। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप, क्योंकि आपको सिर्फ क्रोमोसोम तो पढ़ना नहीं है सिलेबस में, बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाओगे तो फिर यू विल नॉट एबल टू रिमेंबर इट। तो सिंपल मैंने बताया वह इतनी चीजों के आपको समझ के लिखना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या क्या रोल है क्रोमोसोम की जेनेटिक डाइवर्सिटी में? सबसे पहले दे कैरी जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम One generation to another. तो क्रोमोसोम जो है जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में, और अगर ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करेगा ही नहीं और जनरेशन वाइज में चेंजेस दिखेंगे नहीं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ से आपको देखने को मिलेगी? दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। सेकेंडली इट्स एक्ट्स एज अ गाइडिंग फोर्स इन ग्रोथ रिप्रोडक्शन रिपेयर एंड रीजनरेशन प्रोसेस। जो ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रिपेयर होता है, रिजनरेशन होता है, सब में क्रोमोसोम का रोल होता है। विदाउट क्रोमोसोम इट कैनॉट बी सीन।
और आपके भी आप जैसे ग्रोथ में भी आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखेगी। मान के चलो कोई एक फादर है, फादर की हाइट है 5.8, तो जरूरी है सन की हाइट भी 5.8 होगी? नो, सन की हाइट 5.9 भी हो सकती है, 5.7 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। सो दीस थिंग्स यू कैन सी इन गाइडिंग दिस एवरी इन एवरी ऑफ दीज थिंग्स यू कैन सी जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसमें एक्सप्रेस जो होती है जीन जिसके तहत जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, उसकी वजह से होती है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के वजह से, दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एंड क्रोमोसोम्स कंटेन थाउजेंड ऑफ जीन्स, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। अगर मान के चलो कम जीन्स रहेंगे तो आपको डाइवर्सिटी दिखेगी, इतने ज्यादा जीन्स होते हैं, इतना थाउजेंड्स ऑफ जीन होते हैं कि दैट वाई दैट इज वाई वी सी डाइवर्सिटी टू ह्यूज नंबर ऑफ जीन्स डाइवर्सिटी इज सीन दैट प्रिसाइजली कोड फॉर मल्टीपल प्रोटीन्स। और ये ह्यूज जीन्स जो है मल्टीपल प्रोटीन्स के लिए प्रिसाइजली कोड करते हैं। एंड क्रोमोसोम्स आल्सो हेल्प्स इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि फादर टू सन टू सन, और उसमें हालांकि डाइवर्सिटी दिखती है पर वो किस में आपको देखने को मिलेगा, वो क्रोमोसोम्स में ही रहती है। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर आप क्रोमोसोम्स के थ्रू जाओ तो क्रोमोसोम्स को स्टडी करके आपको उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स दिख सकते हैं। काफ़ी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो क्रोमोसोम के टेस्ट से आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इट हेल्प्स इन इवोल्यूशनरी इंसाइट, अगर आप क्रोमोसोम की स्टडी करो तो आपको इवोल्यूशनरी इंसाइट्स मिल जाएगी कि क्यों ये जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, व्हाई दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी हैपेंस। तो ये मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं रोल ऑफ क्रोमोसोम में और क्यों जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, क्रोमोसोम का क्या रोल है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पास करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन स्टोर करता है, तो सब जगह की आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जब ये पास होती है। सो आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होगी, इसका इंपॉर्टेंट थी स्ट्रक्चर जो मुझे समझाना इंपॉर्टेंट था, आई होप आपको समझ में आ चुकी हुई हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ टू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए, और अगर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और भी आपको जो भी पॉइंट्स लग रहे हैं उसमें कमेंट्स करें, ब्रेन स्ट्रॉमिंग की कैपेसिटी अपने बढ़ाएं। सो दीज थिंग्स हेल्प अस लॉट टू मोटिवेट्स अस लॉट टू मेक सच वीडियोज़ फॉर यू। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।